हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन। तो हम इसका बैंड स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से बनता है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बाकी के वीडियोज को जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके और सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट हैं वो चेक करें। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें अपना फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपका जो पीएन जंक्शन है वो एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दोनों को रखा मैंने, तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। दोनों को साथ रखा, यहां पर कुछ रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा हो जाता है। अब पर इस चीज को होने के लिए आपको जो कंडीशन है वो ये है कि फर्मी लेवल मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मस्ट बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्पेसिमेन एट इक्विलिब्रियम। मतलब स्पेसिमेन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे ये दोनों पी और एन जंक्शन इनके फर्मी लेवल कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा आप? अगर ऐसा नहीं है तो मान लीजिए इधर पी साइड में जो फर्मी लेवल ज्यादा है और यहां पर कम है, पर हमें चाहिए पूरे स्पेसिफेन में जब मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो पूरे में एक ही फर्मी लेवल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? मान लो यहां वाले की जो एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड वुड हैव एवरेज एनर्जी हायर देन दी अदर साइड, और ये क्या है, ये यहां पर जाके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, इनकी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक पूरा एनर्जी लेवल एक इक्विलिब्रियम में नहीं बन जाता। तो इसलिए हमारे को ये मस्ट है कि हम शुरुआत ही लें, अपना जो फर्मी लेवल है उसको कॉन्स्टेंट रखें। बट असली में होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। एन टाइप नेगेटिव टाइप है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर की जगह ये ई एफ यहां होता है एन टाइप में, और पॉजिटिव टाइप में यहां पर होता है। यहां पर लाई करता है ई एफ पी टाइप में, ये मेरा वैलेंस बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड। तो ये जो मेरा ई एफ है ये यहां लाई करता है, जबकि सेंटर में, अगर सेंटर सेंटर में दोनों के होते तो बात ही क्या थी। सो अब मैं यही चीज को बेस रख के और एक आध चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये मैपिंग करके मैं आपको ये चीज समझाऊंगा जो आपका बैंड स्ट्रक्चर है ओपन सर्किटेड का। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। अब ये जो है, ये जो एज है, ये मेरा बोलते हैं, इसको मैं डिनोट करूंगा ई, कंडक्शन बैंड का है तो सी, एन टाइप है तो एन। तो मेरा जो ई एफ है वो ई सी एन के पास है, और यहां पर ई वी एन। इसी तरह इसको ई कंडक्शन बैंड ऑफ पॉजिटिव, ये हो जाएगा ई ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, वैलेंस बैंड ऑफ पॉजिटिव। ये चीजें अब इधर भी बनाने हैं, पर मैं एक और चीज आपको बताता हूं इससे पहले। ना होता क्या है कि आपकी जो ये वैल्यूज हैं ई सी एन और ई सी पी, ये अलग अलग मटेरियल में है, ये अलग अलग होती हैं। मतलब अगर मैं पी टाइप मटेरियल के लिए ले रहा हूं तो ये जो वैल्यू है वो ऐसा हो सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाई करती हो और ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाई करती हो।
एन टाइप मटेरियल में ले रहा हूं, तो ये जो यहां पर ये जो मेरा स्टेट बनी है, ये यहां पर हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाई करती हो और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाई करती हो। तो जो आपकी ईसीपी एंड ईसीएन है, सिमिलरली ईवीपी और ईवीएन है, कभी भी ये एक सेम लेवल पे लाए नहीं करती हैं। सो आई कैन से दिस द कंडक्शन बैंड एज ईसीपी ईसीपी इन अ पी टाइप मटेरियल कैन नॉट बी अ सेम लेवल एज ई सी एन, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो से दैट ई वी एन कैन नेवर बी इक्वल टू ई वी पी। तो इसकी वजह से होता क्या है, दस ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ पी एन जंक्शन, जब मैं एक पी रीजन को और एन रीजन को मिला रहा हूं साथ में, तो मेरी ई सी पी हायर है। ये 7 वोल्ट है यहां पर अगर देखूं तो, ये मेरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बनेगी इसकी। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इनको मैंने ज्वाइन करा है इसलिए ये फिगर इस तरह की बनी है। ये मेरा मान लीजिए 2 पर है और ये कहीं 4 पर लाई कर रहा है इस तरह से। ऐसी वैल्यूज आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब इनको मैं नेम कर देता हूं अकॉर्डिंगली। ये मेरा है ई सी पी, ये रहा, ठीक है। ये है मेरा ई वी पी, और यहां पर मेरा, यहां पर मैं नेम कर देता हूं इनको ई सी एन और यहां पर ई वी एन। आई होप आपको आ गया हो समझ। और ये जो मिडल में जा रहा है ये है मेरा ई एफ, ठीक है। ई एफ के बाद ये अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां पर बस मुझे एक चीज और शो करनी है। ये जो डिफरेंस है ना, ये होता है ई नॉट, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम ई नॉट। सो ये जो ई नॉट है, क्योंकि ये पी से एन रीजन में जाने में जो एनर्जी में शिफ्ट आया है ये शो कर रहा है। इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि ये एनर्जी ई नॉट जो है मेरा, वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट जंक्शन। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब जो मेरा ई नॉट है, इसका बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना होता है, वो है ई सी पी ये माइनस ई सी एन, दिस माइनस दिस, प्लस ई वी पी माइनस ई वी एन, इस तरह से। अब अगर इसको देखूं, सिर्फ इसके लिए देखूं, तो यहां पर इसका हाफ वे थ्रू हो जाएगा पूरा एनर्जी गैप। मतलब अगर मैं कहूं ये एनर्जी गैप आधा और ये एनर्जी गैप आधा, इजी, ठीक है। सिमिलरली इधर देखूं तो यहां पर बीच में कहीं एनर्जी, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी गैप है, तो यहां पर ये मेरा आधा एनर्जी गैप और यहां पर ये पूरा आधा एनर्जी गैप, ठीक है। यहां से और ये मिडल तक, ठीक है, ये मेरी होती है E2, और यहां से यहां तक मेरी E1 होती है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, E1 प्लस E2, ठीक है। ये इतना आपको करना है एग्जाम में तो मर्जी है, बाकी आप यहां तक भी अगर छोड़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत थ्योरी है जो आपको समझानी है कि ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था, तो हमने ये इस तरह से बनाया है। बट आगे, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा और, मैं आपको बता देता हूं, इसके आगे भी आप कर सकते हैं कि आपको पता है ई एफ माइनस ई वी पी जो है, इन दोनों का एक रिलेशन रहता है, वो है हाफ ई जी माइनस ई वन, ठीक है। निकाल सकता हूं ये चीज। अब ई सी एन माइनस ई एफ भी इसी तरह मैं लिख सकता हूं, ई जी माइनस ई टू, दो इक्वेशंस बन गई मेरी। इन इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, ये मान लीजिए
तो ऐड करो वन एंड टू को, तो मेरा अगेन ई वन प्लस ई टू कुछ इस तरह बन जाएगा, ई जी माइनस ई सी एन माइनस ई एफ, ई एफ माइनस ई वी पी, ठीक है, कुछ नहीं है, यहीं से मैंने देख देख के लिखा है, यहां से ई एफ माइनस ई वी पी करा, ये आया, ठीक है, और ई सी एन यहां पर है, माइनस ई एफ करा, तो मेरा क्या आया, वो मैंने इसको इस तरह हाफ माइनस ई टू करके लिख दिया है, और उसको ऐड करके ये मैंने अपना फाइनल रिजल्ट बता दिया है कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। इसको मैं ई नॉट भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर मैं निकाल के आया हूँ ई नॉट इज इक्वल टू दिस, ई नॉट इज इक्वल टू दिस, तो ये जो शिफ्ट आया है बस वो उसका ये एक्सप्रेशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई होप आपको आ गया हो समझ। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसी तरह करना है, आपको सिर्फ लिखना है, थोड़ा सा थ्योरी लिखना है इसका, जो मैंने आपको बताया उसको आप इंग्लिश में लिख दें, और उसके बाद आपको ये बनाना है। पहले आप अच्छा रहेगा कि वो जो मैंने आपको पीछे इधर की साइड बनवाए थे वो बनाए, वो बेसिक डायग्राम्स बनाए, बताएं कि एन टाइप में वो उधर शिफ्टेड रहता है हल्का सा, पी टाइप में नीचे रहता है, उसके बाद इसको आप एक्सप्लेन करें बना के, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू।